हेलो दोस्तों, आज अपन DPP08 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अब तक अपनी टोटल 7 DPPs आ चुकी हैं। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो है वो टोटल 7 आ चुकी हैं। आज हम DPP08 के बारे में बात करने वाले हैं। DPP08 में हमने कुल 25 क्वेश्चंस का सेटअप रखा है। उम्मीद है जो पिछली डीपीपीज आपने जो सारे डीपीपीज देखी हैं उनके नोट्स आपके काफी अच्छी तरह से समझ में आ गए हैं या फिर आपके कोई डाउट नहीं है। अगर कोई भी आपके डाउट रहता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि अपने डिस्क्रिप्शन के लिंक में हमने दिया हुआ है, आप वहां पे डाउट अपना जो है वो क्लियर कर सकते हैं। और रही बात, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो, जिससे क्या है कि जो भी नया वीडियो अपलोड होता है तो वो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास रेगुलरली पहुंचता रहेगा। ठीक है, तो आज हम DPP08 डिस्कस करेंगे। DPP08, तो देखते हैं DPP08 का फर्स्ट क्वेश्चन। DPP08 का फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का आधारभूत ढांचा जो है, कंप्यूटर का जो स्ट्रक्चर है वो किसके द्वारा विकसित किया गया है। कंप्यूटर का आधारभूत ढांचा किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो इसका आंसर है जॉन वॉन न्यूमॉन। जॉन वॉन न्यूमॉन कंप्यूटर का जो आधारभूत ढांचा है, जॉन वॉन न्यूमॉन, जॉन वॉन न्यूमॉन के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कंप्यूटर, जो अपना कंप्यूटर है, कंप्यूटर के फादर, फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर की उपाधि से किसको नवाजा गया है। कंप्यूटर के पिताश्री, कंप्यूटर के पिताश्री कौन है, कंप्यूटर के पिताश्री कौन है भाई, कंप्यूटर के पिताश्री है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जो फादर हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर की उपाधि किनको मिली हुई है, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को क्यों मिली हुई है, चार्ल्स बेबेज को इसलिए मिली हुई है, इन्होंने एक इंजन बनाया था जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन, जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन, और उसी की वजह से चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर की उपाधि दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडिंग मशीन, जिसको हम मैकेनिकल कंप्यूटर, एडिंग मशीन और मैकेनिकल कंप्यूटर का इन्वेंट किसने किया था, एडिंग मशीन जो है उसका आविष्कार किसने किया था। एडिंग मशीन कौन सी होती है, आपने देखा हुआ होगा बाइक का जो स्पीडोमीटर होता है, बाइक का जो स्पीडोमीटर होता है जो आपको स्पीड दिखाता है, उसी में नीचे की तरफ एक पट्टी बनी हुई होती है जिसमें लास्ट वाली जो रो होती है, लास्ट रो के अंदर, सॉरी, लास्ट का जो कॉलम होता है वो मूव करता है, वो आपको मीटर में डिजिट जो है वो शो करता है, उसमें 1 2 3 4 लिखे हुए रहते हैं, और साइड वाले जो होते हैं वो किलोमीटर को शो करते हैं कि गाड़ी कितने किलोमीटर चल चुकी है। जैसे ही इसमें 0 वापस ऐड होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से 0 होता है तो साइड वाले में 1 डिजिट ऐड हो जाता है, तो जैसे जैसे इसमें ऐड होता है इसको अपन एडिंग मशीन बोलते हैं। इसका इन्वेंट किसने किया था, एडिंग मशीन का जो आविष्कार है वो किसने किया था, वो किया था ब्लेज पास्कल ने। किसने किया था, ब्लेज पास्कल। थर्ड क्वेश्चन था अपना एडिंग मशीन, एडिंग मशीन का आविष्कार किसने किया था, ब्लेज पास्कल, ब्लेज पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटेल कॉरपोरेशन के कोफाउंडर या चेयरमैन, इंटेल कॉरपोरेशन के कोफाउंडर या चेयरमैन कौन है, इंटेल क्या है, इंटेल क्या है, ये एक कंपनी है, ये एक कंपनी है जो अपने मदरबोर्ड वगैरह बनाती है, उसके कोफाउंडर और चेयरमैन कौन है, इंटेल कॉरपोरेशन के कोफाउंडर और चेयरमैन, इंटेल कॉरपोरेशन के कोफाउंडर और चेयरमैन है जॉर्डन मोर, जॉर्डन मोर।
जॉर्डन मोर। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कंट्रोल प्लस पेजअप। कंट्रोल के साथ पेजअप का उपयोग कब किया जाता है? ये अपने शॉर्टकट की से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि कंट्रोल के साथ में पेजअप जो की होती है, कंट्रोल की जो कॉम्बिनेशन की होती है उसके साथ में पेजअप स्पेशल कीज में आती है, कब इसका यूज किया जाता है? इन दोनों कीज का एक साथ यूज कब किया जाता है? देखो, जब हम एक्सेल में किसी शीट पर कार्य कर रहे हैं और हम नेक्स्ट शीट पे चले जाते हैं, तो वापस पिछली शीट पर आने के लिए, यानी कि प्रीव्यू पेज या प्रीव्यू शीट पर आने के लिए कंट्रोल के साथ में पेजअप कीज का पेजअप की का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेन कार्ड का दूसरा नाम क्या है? लेन, एल ए एन, लेन। लेन क्या होता है? ये एक प्रकार का नेटवर्क है, लेन, जिसका पूरा नाम, ये पूरा नाम काफी एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो आपको ये वाला नाम जो है वो याद रखना है। लेन का पूरा नाम है लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। और जो लेन है, लेन को और किस नाम से जाना जाता है? लेन को और जाना जाता है एनआईसी, एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर, इसका दूसरा नाम है एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर, नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोम में संग्रहित प्रोग्राम जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? रोम, रोम एक प्रकार की मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी का इकलौता ऐसा पार्ट है रोम जो नॉन वोलेटाइल यानी कि स्थाई मेमोरी का हिस्सा है। अब जो रोम है, रोम में जो भी प्रोग्राम संग्रहित होते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं फर्मवेयर। रोम में जो भी प्रोग्राम संग्रहित होते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? उनको जाना जाता है फर्मवेयर के नाम से। तो लिख देता हूं मैं, रोम में जो भी प्रोग्राम होते हैं, सेवन नंबर क्वेश्चन, उसको फर्मवेयर के नाम से जानते हैं, उसको फर्मवेयर के नाम से जाना जाता है। ये जो क्वेश्चंस हैं आप अपनी नोटबुक में एक बार इनको रीड आउट कर लें और रिटर्न कर लें इनको, ताकि आपके एक तरह से डीपीपी जो भी जितनी भी बनाई जा रही है उनका उद्देश्य यही है कि आपके पास में क्वेश्चंस का एक कलेक्शंस जो है वो हो सके, जिससे कि एन वक्त पर आपको पूरा रीड आउट नहीं करना पड़े। और जो डीपीपीज हैं, डीपीपीज उन्हीं की बनाई गई है जो टॉपिक हो रहे हैं, जो पीछे टॉपिक हो रहे हैं उन्हीं से डीपीपीज के लिए क्वेश्चंस निकाले गए हैं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम के लिए उन्हीं में से क्वेश्चन निकाले गए हैं। आपको जो भी डीपीपी बताई जाती है, जो डीपीपी में जितने भी जो क्वेश्चंस हैं, चाहे 10 हो वे, 15 हो वे, 25 हो वे, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको अपने नोटबुक में एक बार रिटर्न कर लेना है, ताकि एन वक्त पर आपको पूरा रीड आउट नहीं करना पड़े और मोस्ट क्वेश्चंस जो है उनका आपके पास में एक सेट रह सके। सेवन क्वेश्चन हो गया अपना। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? भारत की जो सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है वो है TCS। भारत की सबसे बड़ी जो सॉफ्टवेयर कंपनी है वो है TCS। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का जो प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर, भारत का प्रथम कंप्यूटराइज्ड पोस्ट ऑफिस कौन सा है? भारत का फर्स्ट कंप्यूटराइज्ड पोस्ट ऑफिस है नई दिल्ली। नई दिल्ली का जो मुख्य डाकघर है वो भारत का सबसे पहला कंप्यूटरीकृत डाकघर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर, इसने प्रथम सुपर कंप्यूटर नहीं पूछा है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? भारत में जो निर्मित हुआ है प्रथम कंप्यूटर उसका नाम है सिद्धार्थ। भारत का जो प्रथम कंप्यूटर है उसका नाम है सिद्धार्थ, उसका नाम है सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना रेम का पूरा नाम क्या है? RAM, रेम का पूरा नाम क्या है? रेम एक वोलेटाइल मेमोरी है और प्राइमरी मेमोरी का एक पार्ट है, यानी कि एक मेमोरी है जो प्रोसेसर के साथ में डायरेक्टली कनेक्टेड रहती है। रेम, रेम का जो पूरा नाम है वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। पीछे की डीपीपीज में ये क्वेश्चन एक बार आ भी चुका है, फिर से दोहराया जा रहा है, रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी और ये प्राइमरी मेमोरी का हिस्सा है। प्राइमरी मेमोरी जितनी भी है
मेमोरी के पार्ट में हम पढ़ चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वीडियो का। प्राइमरी मेमोरी जितनी भी है डायरेक्टली प्रोसेसर के साथ में कनेक्ट रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उत्पाद है जो पेंटियम ब्रांड के नाम से बेचा जाता है? कौन सा उत्पाद है जो पेंटियम ब्रांड के नाम से बेचा जाता है? पेंटियम ब्रांड क्या है? पेंटियम एक माइक्रो प्रोसेसर है। क्या है? माइक्रो प्रोसेसर। अगली बार अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि कौन सा उत्पाद है जो पेंटियम के नाम से बेचा जाता है, तो पेंटियम के नाम से क्या बेचा जाता है? माइक्रो प्रोसेसर बेचा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुपम क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुपम क्या है? ये अनुपम वो नहीं, अनुपम खेर नहीं, अनुपम की बात हो रही है कि अनुपम क्या है, कंप्यूटर में अनुपम क्या है? कंप्यूटर में अनुपम एक सुपर कंप्यूटर का नाम है। कंप्यूटर में अनुपम एक सुपर कंप्यूटर का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? भारत में सिलिकॉन वैली बेंगलुरु शहर को कहा जाता है। भारत में सिलिकॉन वैली, कंप्यूटर जीके का क्वेश्चन है, भारत में सिलिकॉन वैली बेंगलुरु शहर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना राजपथ किसे कहते हैं? सूचना राजपथ किसे कहते हैं? सूचना राजपथ इंटरनेट को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड चिप किसके द्वारा बनाई गई थी? इंटीग्रेटेड चिप जो कि सिलिकॉन की बनी हुई होती है, और सिलिकॉन वैली किसको कहते हैं? भारत के बेंगलुरु शहर को। तो क्वेश्चन आता है कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, आईसी चिप जो सिलिकॉन की बनी हुई होती है, किसके द्वारा बनाई गई थी? तो आईसी चिप बनाई गई थी जेएस किल्वी के द्वारा। आईसी चिप जो है वो जेएस किल्वी के द्वारा बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सीपीयू का पूरा नाम क्या है? अभी सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, केंद्रीय संसाधन इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज गूगल? गूगल क्या है? ये हमारे दिमाग में भी काफी टाइम क्वेश्चन रहता है कि गूगल है क्या चीज। हम कुछ भी लिखते हैं उसका जवाब दे देता है, जहां भी देखते हैं इंटरनेट में सबसे आगे रहता है गूगल। किसी से पूछ लो, हर कोई बताएगा कि हाँ आपने कहां पे देखा? भी गूगल पे देखा, इंटरनेट पर देखा है। गूगल है क्या चीज एक्चुअली में? गूगल एक सर्च इंजन है। गूगल एक सर्च इंजन है जहां पे किसी भी कंटेंट को हम सर्च की, हमारे द्वारा सर्च किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीडीएफ का पूरा नाम क्या है? पीडीएफ का पूरा नाम है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला है केरल का मलप्पुरम। केरल में एक शहर है मलप्पुरम, केरल में एक शहर है, जिला है, जिसका नाम है मलप्पुरम। लिख देता हूं मैं, मलप्पुरम जो है केरला, केरल वो देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? विश्व का जो सब प्रथम कंप्यूटर है वो सुपर कंप्यूटर है सॉरी, उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? उसका निर्माण किया गया था सीआरसी के द्वारा, उसका निर्माण किया गया था सीआरसी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला गणक कौन सा है? विश्व का पहला गणक, मैंने आपको बताया था कंप्यूटर को हिंदी में बोलते संगणक, और हमारे फर्स्ट वीडियो DPP01 में ये क्वेश्चन हो चुका है, लेकिन इसी क्वेश्चन को अलग लैंग्वेज में पूछा गया है। उसमें पूछा गया था कि विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर जो था, इलेक्ट्रॉनिक नहीं पूछा गया है, विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था? वो था अबेकस, जो एक लकड़ी की फ्रेम के द्वारा उसमें मोती डाल के बनाया गया था। तो इसी में यही क्वेश्चन पूछा गया है, विश्व का पहला गणक क्या है या कौन सा है? तो विश्व का पहला गणक है अबेकस, जो चीन के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BIOS का पूरा नाम क्या है? ये काफी टाइम पूछा गया है कंपटीशन एग्जाम्स में। BIOS 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 क्या होता है? BIOS का पूरा नाम क्या है? BIOS का पूरा नाम है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और लास्ट क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, मॉडेम इनपुट है या आउटपुट है? सबसे पहली बात, मॉडेम होता क्या है? इसको हटा देता हूं एक बार, मॉडेम होता क्या है? मॉडेम एक डिवाइस है भाई, और इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार का डिवाइस है। कैसे? बोथ डिवाइस है। मॉडेम का पूरा नाम होता है
मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर, कैसा डिवाइस है ये? ये एक ऐसा डिवाइस है जो कंप्यूटर में लगा हुआ रहता है और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में तथा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। एनालॉग को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करने का कार्य कौन करता है? मॉडेम करता है। आज के DPP08 में इतना ही है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और जो क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं उनको अपने नोटबुक में जरूर लिखें, जिससे आपके पास में क्वेश्चंस का एक सेट तैयार हो सके। और जो भी आपको नोट्स में कोई प्रॉब्लम है, जो आप कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, तो वीडियो को प्लेबैक करके आप देख सकते हैं। फिर भी आपके समझ में नहीं आती है, तो अपने टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप बेशक उसमें अपने जो सवाल जवाब हैं कर सकते हैं। धन्यवाद।